बहुत अस्थित है। पहले मैं कपड़े कपड़े सुखा लेती हूँ। ये मेरे टेंट टाइम कपड़े, मेरे और वेदिका के दोनों के कपड़े। तो चलिए पहले मैं कपड़े सुखाती हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं। इसको देखे ये भाग गई। दिखाते फाइनली हमारे जो पेड़ है वो कट चुका है। धूप देखो अब कितनी अच्छी धूप आ रही है, आ जाएगी वो वाली धूप जो मुझे चाहिए थी। दिखाती हूँ, हाँ ये देखो ये कट गया इतना जो मुझे चाहिए था, तो सारा पोर्शन खाली है। तक धूप सेक तो है, मतलब ये मान लो 11-12 बजे तक, 12-1 बजे तक, अब मुझे पता नहीं है कितने बजे तक, लेकिन पहले मैं टाइम चेक करूँ कि इतने तक धूप सेक सकता, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आज मैंने इतने बजे तक धूप सेकी, मतलब इतने बजे तक धूप आई। तो चलिए पहले मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करके वेदिका से करते हैं बात। कुछ लोगों ने, मतलब मैंने जब एक्सरसाइज की थी तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी डिफ़िकल्ट है करने में, तो कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज और बताना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो पेट कम करने की, वो मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा वैसे आपने, है ना। चलो फिर दिखाती हूँ मैं, चलिए मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तब आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों फाइनली, ये देखिए दोस्तों मेरे बच्चों पे कैसा लग रहा है, यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखो। और सबसे अच्छी बात है गर्म भी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितनी प्यारी धूप आ रखी है, और मैं वेदिका को लेके बैठ रखी हूँ धूप में। यही ड्रेस लाया था कल, इसके लिए बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने इसके पैरों को दिखा रही धूप, और वेदिका और मैं बैठे धूप में। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है, बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। हम दोनों बैठ रखे धूप में और मैं खा रही हूँ सेब साथ में, क्योंकि मैं बहुत दिन से, धूप तो अच्छी आ रही थी, मतलब बहुत टाइम से अच्छी धूप आ रही है, धूप का कोई इशू नहीं है। इशू था उस पेड़ का जो कट चुका है, देख ही रहोगे आप, जो पेड़ ने अब तक तो कब की गायब हो गई धूप, लेकिन अब वो इशू भी ख़त्म हो गया। अब मतलब इस टाइम हो रहा है, टाइम 11 बज रहा है, अब तक तो पता भी नाम निशान भी था धूप का, लेकिन अब देखो मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक तो आ ही जाएगी। अब बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मैं सेब खा रही हूँ और साथ में वेदिका के साथ बैठी हुई हूँ, इसके आगे बैठी हुई, इसको धूप ना लगे ना मुँह पे, बाकी शरीर को धूप दिखा रही हूँ मैं। बस ये मैं आधा सेब खा चुके, आधा सेब बचा है। तो चलिए खाते हैं पीते, तब थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं जब चलेंगे अंदर। अंदर हमने क्यों ली, क्योंकि मेरी ननद ने कहा था भाभी आप हमेशा एक ही कपड़ों में ले जाते हो, मुझे आप वेदिका अलग कपड़ों में चाहिए, तो ये मैंने इसलिए उसके लिए अलग ड्रेस ले ली। ठीक है राखी, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो कपड़े चेंज हो गए ना, खुश। तो मैं अब तक वेदिका के साथ ही मतलब टाइम स्पेंड करती थी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो वो मुझे छोड़ती नहीं है, मतलब कहती कि मामा मेरे पास ही रहो। तो जब भी मैं उसको नहीं दिखती तो थोड़ा उसको ये रहता है कि चलो, तो उसको ये कहती कि मेरे सामने रहो, चाहे आप मेरे से मतलब कुछ भी मत करो, गोद में मत उठाओ, कुछ मत करो, बस वो कहती सामने रहो। तो अब देखो दिखाती हूँ मैं, हाँ ये देखो गिरी, इसको तब से घुमा रही हूँ, घुमा रही, कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी मस्ती कर रही हूँ इसके साथ, कभी डांस कर रही हूँ। तो इसको पूरी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ मैं कि हाँ इसको फील ना हो कि कोई नहीं है इसके सामने। तो जो काम बचा हुआ है, मैंने कुछ काम नहीं कराया जिसके चक्कर में, कभी कभी बच्चे का मूड के हिसाब से होता है, बच्चा पहले सो जाता है कभी बाद में, तो आज थोड़ा लेट सोई, 11:30 हो गए, तो मेरा कुछ काम नहीं हुआ। तो फटाफट से अब ये 2 घंटे में जो भी इसका सोने का टाइम है, तो फटाफट से जितना भी देरी सोती है तो इतनी देर में अपना काम निकालती हूँ, उससे पहले ये उठे, ठीक है, क्योंकि फिर ये उठेगी तो फिर इसके पास जाना है ना, कौन है, कौन जाएगा, मैं ही तो जाऊँगी, हस्बैंड ड्यूटी देखेंगे ना, तो मैं ही जाऊँगी इसके पास। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अब तो काम निपटाती हूँ, चलिए फटाफट से पहले उठ जाए, चलो। चलो हमारे के घूमने आने के लिए टाइम मिलता नहीं है, तो आज हस्बैंड थोड़ा घर पे थे, थोड़ा काम करके आए, वो
दोबारा जाना उन्होंने, तब तक इन्होंने कहा एक चक्कर घूम के आए थे, तो ये दोनों भाभीों के साथ घूमने जा रही हूँ मैं। तो कौन सा पता चल रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे साथ का सेट होगा। कहाँ गए भाभी? आओ यार बेटी घर से। राजू के पास। अच्छा। मैं तो ऐसे आ गई पजामे में, मैंने कोट ले, मैं आपको पजामे दिखाऊंगी। चलो मैं कुर्ता ही कुर्ता दिखाऊंगी। ये देखो भाभी को भाभी कुर्ता मैं तो दिखाना है, मैं तो पक्का दिखाना है। आप फोड़ लेना कोई बात नहीं, खोपड़ी फोड़ने के बाद घर तो आओगे। सही है यार, पता हम तीनों बहुत, हम तीनों मतलब मैं और मेरी दोनों भाभी हैं, तो हम तीनों मतलब ये लोग वो हैं जिनके साथ मैं तब जाती थी जब वेदिका मेरे पेट में थी। तो अब मैं पहले मैं पेट बढ़ाने के लिए जाती थी, पेट कम करने के लिए जा रही हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, पहले पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कब तक घूमी, मैं अगस्त की 4-5 तारीख तक मैं घूमी और 9 तारीख को ये हो गई थी। मतलब रोज़ जाती थी मैं घूमने के लिए रोज़। और 4-5 की ना 4-5 तारीख नहीं, हाँ 4-5 तारीख तक, 4 तारीख तक, 4 तारीख तक गई मैं लास्ट, क्योंकि उसके बाद इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे 4 तारीख को एक पेन हुआ था, मतलब तेज पेन स्टार्ट हो गया था मुझे 4 तारीख से ही। तो फिर घर वालों ने मना कर दिया कि बोल के ही कहीं तरह दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। तो चलिए